नमस्कार आदाब, मैं हुसैनिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पंजाब के पटियाला में तलवार से पुलिस वाले पर हमले की घटना पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने गुरुद्वारा में छिपे 8 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है और 20 को अपने हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये कार्रवाई इतनी आसान नहीं थी। रविवार को कुछ निहंगों द्वारा पुलिस के साथ किए गए बर्ताव से हर कोई सिहर गया है। कर्फ्यू में सब्जी मंडी में पूछताछ करने पर निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और तलवारों से ASI हरजीत सिंह की कलाई काट दी। फिर भी हरजीत सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, वो बहादुरी से मुकाबला करते रहे। हर कोई ASI की इस बहादुरी को सलाम कर रहा है। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने बताया कि ये लोग करीब 5 दिन पहले भी सब्जी मंडी में आए थे और सेवा के नाम पर मुफ्त की सब्जी लेने की कोशिश कर रहे थे। 5 दिन बाद रविवार सुबह के समय 4 लोग निहंग की वेशभूषा में आए थे तो गेट पर तैनात मंडी बोर्ड के मुलाजिम व पुलिस टीम ने कर्फ्यू पास मांगा। ये लोग फिर भी जबरन अंदर घुस गए। इस दौरान मुलाजिमों ने इंचार्ज को फोन पर सूचना देकर मौके पर बुला लिया। जब मुलाजिमों ने इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की तो इन लोगों ने तलवारें लहरा दी। पुलिस ने इन्हें काबू करना चाहा तो गाड़ी से उतरकर तलवारों से वार करना शुरू कर दिया। मुलाजिमों को जख्मी करने के बाद ये लोग मौके पर फरार हो गए, गुरुद्वारे में जाकर छिप गए। पुलिस के पहुंचने के बाद इन लोगों ने जवाबी हमले की तैयारी करते हुए सभी हथियार इकट्ठा कर लिए। कमांडो ऑपरेशन के बाद महिला सहित 11 आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। और अब जो कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में मेडिकल स्टाफ और पुलिस सबसे आगे है, अगर उनके खिलाफ ऐसे अटैक होने लगे तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और मैंने DGP पंजाब को ये मैसेज भेजा है कि इसमें मुलजिम है वो तो पहचाने हुए हैं, 2 दिन के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए और कोर्ट आजकल फ्री है और इस दिन में 10 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रायल जो कंप्लीट होना चाहिए और 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये हाथ काटा है और इसमें उम्र कैद की सजा बनती है। 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म करके उम्र कैद की सजा मुलजिमों को देनी चाहिए ताकि सारे देश में ये मैसेज जाए कि इस टाइम पे कोई भी मेडिकल स्टाफ या पुलिस के साथ कोई भी इस तरह के घृणित जुर्म करेगा उनको सख्त से सजा दी जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।